इस महल में अगर रानी पाटम दे मेरी आवाज सुनती हो तो ये महात्मा, ये संत, ये फकीर केवल और केवल यहां की महारानी पाटम दे से भिक्षा चाहता है। क्या इस फकीर को रानी पाटम दे के हाथों से दो मुट्ठी भिक्षा मिलेगी? झोली छोटी है आपकी, दो मुट्ठी इसी में आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पियाजी आज आप कोई नशा करके आए हो। खामोश, मैं ऐसा वैसा महात्मा नहीं हूँ। कैसे हो फिर? मैं जालंधर नाथ और मच्छंदर नाथ से मैंने कान पड़ाए हैं। अच्छा, यहाँ मेरे यहाँ तो यज्ञ और हवन किए जाते हैं, हमारे यहाँ सुल्फा नहीं पिया जाता। तो ऐसे वैसे महात्मा आसाराम और राम रहीम भी नहीं थे? वे भी वीआईपी थे? वो भी तेरी जैसियों ने पहुंचा दिए, वो भी सही थे पहले, तो बाद में गड़बड़ हुए वो। अच्छा, फिर मेरी जैसियों के चक्कर में आए क्यों वे? कभी कभी गलती हो जाया करती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कोई नशा कर रखा है। कैसे? तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि सामने तुम्हारी माई नहीं बल्कि रानी पाटम दे खड़ी हुई है? बाबूजी आप सच बताना, फकीर के सामने संसार की तमाम माताएं बहने माई या बहने यही तो होती हैं। फिर कौन से एंगल से फकीर है तू? अब सच बताऊं झूठ बोलूं? सच्चाई तो ये है कि एक एंगल तो मैं हमेशा लंगोटिया फकीर हूँ। अच्छा, रानी है, हमें क्या पता लंगोटिया है तू? रानी है, इसका हुक्म चलता है। महात्मा को इतना तो परेशान मत कर। ए भली आदमन, मैं किसी महात्मा को परेशान नहीं कर रही, अपने पिया जी को परेशान कर रही हूँ। लेकिन मैं अब तेरा पिया नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं फकीर हो गया। कब से? अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। अच्छा, तभी तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पियाजी सूखा सूखा सा क्यों हो रहा है। देखो चेहरा भी मुरझा गया मेरी देखभाल के बिना। जब मेरे पास था मोटा ताजा था, कति सेब जैसा मुंह था, और अब देखिए कति पिंजर बना पड़ा है। अच्छा सुन, तेरी बात को फेल करूं, तुम सच बताना, तुम भी सच बताना और तुम भी सच बताना। साहब बैठे हमारे यहाँ, झूठ नहीं बोलता कोई भी। मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। शादी, तुम्हें धर्म ईमान से मेरी कसम है कोई झूठ बोले तो, शादी करके, ये संगीतकार भी बताना भाई, कौन कौन सुख पाए सही बताना। कोई सब सुख पा रहे हैं, देख। तू नहीं बोलेगी, फैसला ये पंच भाई साहब ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। नहीं, बस जिस दिन घोड़ी पे चढ़िया उसी दिन के बाद थी, उस दिन के बाद तो पछतावा ही है बराबर। क्यों भाई गुड्डू प्रधान? जब तुझे पछतावा था तो फिर एक ब्याह से तेरा दिल नहीं भरा, 16-16 ब्याह करे। राजा महाराजाओं के यहाँ विधान होता है, 100-100 कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा गुड्डू प्रधान है, इसके 3 ब्याह हुए, इसके बगल में एक और बैठे, इसके 2 ब्याह हुए, और तो और ये नक्काड़े वाला, इसका 1.5 ब्याह हुआ। 1.5? हाँ, वो एक आंख की कमजोर थी बेचारी। अच्छा, 1.5 ब्याह हो गया फिर। महेंद्र जी श्रावण गांव से 200 रुपए हम दोनों कलाकारों को देते हैं, बार बार धन्यवाद करता हूँ। ये जो आप मुझे माई माई कह रहे हो ना, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, पाप लगेगा, पाप बहुत बड़ा। पाप तो तुझे लगेगा, फकीर की झोली में भिक्षा नहीं डालेगी। पाप तो तुम्हें लगेगा, मेरे साथ साथ फेरे लिए हुए तुमने और मुझे माँ कह रहे हो। हाँ, ये कह सके कि बालकों की माँ, यूँ थोड़ा ही अपनी माँ कह रहे हो। वो हंसराज का भाई लेखराज कहा करता है, ये तो काहेगो। चल कर लिए तो कर लिए ब्याह, अब तुझे झोली में भिक्षा डालनी है तो डाल, वरना यह महात्मा पर्वत की कंदराओं में चला जाएगा और फिर तुझे दिखाई नहीं देगा। अच्छा, हाँ तो मैं भी पीछे पीछे हो लूंगी। कहाँ जाएगा? हिमाचल में तो जाएगा, उत्तराखंड में तो जाएगा, पर उत्तराखंड में मत जाना, फंस जाएगा। आजकल वहां त्रासदी चल रही है, उत्तराखंड में खतरनाक है, खतरनाक इलाका। चल तो कहर मेरी बात सुन ले। मेरे तले खड़ा क्यों रुके मारे, यो रानी पाटम देवी तो गावे बहुत जोर का है। मैं बजाऊं भी बहुत जोर का हूँ, इस पूरे क्षेत्र को पता है कि मैं कैसा क्या क्या करती हूँ। एक बार हमें भी बता दे तू क्या बजाया कर रहे है। मैं पियाजी भूल गए उस बात को, जब पियाजी फकीर हो गया तो पिछली बात भूल गया, तू बता क्या बात बजाया कर रहे। चल अभी बताती हूँ क्या बजाती हूँ। चल तो बता।
हेरे तले खड़ा क्यों रुके मारे तू चढ़ जा जिने परी के एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए अच्छा बेचा तड़े उतरे के हो एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए राम भी ठीक है, तू इतने बड़े राज्य की मालिक है हाँ। इतने बड़े साम्राज्य की मालिक है, दो मुट्ठी चून नहीं है अगर तेरे बस की नहीं तो ले फकीर से ले ले। राजपाट को फिलहाल यही देख रहे, यही देंगे तुझे चून, लेकिन अगर हो सके मेरा धर्म रह जाएगा, गुरु को दिया हुआ वचन रह जाएगा, दो मुट्ठी चून घाल दे बैरन। ले तू इतना, तू ही ले ले, तू ही ले इतने, मैं ना लूं। ये तो वो बात होगी, एक मैं क्षमा चाहता हूँ। एक बार कोई आदमी रोहतक में था लिकड़ के जा रहा था, ऐसा जो साहब एक बुढ़ा था लिकड़ के जा रहा था, एक छोरा जो बोले ताऊ जी केड़े ले लो केड़े 40 रुपए दर्जन नून लगा के दूंगा हाँ। बुढ़ा बड़ा चला था, हरियाणा का आदमी, चाहे कहीं चला जाओ हाजिर जवाब मिलेगा। जो बोले रहा सोने मन ने जरूरत कोई ना, नून लगा के तू तेरे केले अपने ही दे ले, तो ले ले तू ही ले ले। और नो पूछ क्यों ले न्यू ले, थोड़े बादाम घोट घोट के पिया कर, रानी से टक्कर लेने लायक हो जाएगा, हो रहा है ऐसा पिंजर सा। चलो जी हम ले रहे हैं केले, ठीक है ले ले केले। साची पाई तू बेटा कह के, कतनी बेटा कह के नहीं, तू बेटा कह के भी गाल दे, मेरा योग सफल हो पाई, मेरा योग सफल हो पाई। हेरे बेटा क्यों कर कहू चले मेरी सगी ननंद का भाई, सर जा अच्छा छोड़ पाछली राही, दे छोड़ पाछली राही। हेरे सोने के मने थाल परोसे, सोने के मने थाल परोसे, जी मलिए मन भर के राख घोल के, राख घोल के पी जा साधु अच्छा। हर का नाम सुमर दूंगा, मुझे पता तू कह कह की जवाब दूंगा, मैं कुछ कह ही ना रही, ना कह रही तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता दूंगा।
ऐसी वैसी मत समझिए, तेरा होश ठिकाने ला दूंगी। कैसे ला देगी? कूद कूद के। देखो जी सुनो, जो व्यक्ति राख घोल के पीता हो, आत्मा चिपक जाएगी तेरे राख। जो व्यक्ति राख घोल के पीता हो, तपस्या करता हो, लंगोटी में रहता हो, एक आदमी मखमली गद्दों पर रहता हो, दास दासी पैर दबाती हो, हर तरीके का भोजन मिलता हो, उस आदमी में उसमें फक्कर में फल। हेलो, अभी मैंने एक निवाला नहीं खाया, भूखी हूँ मैं भाई, तो कसम से। और तुझे तो मैं एक महीने की मार लूंगी भूखी। एक सेकंड बताऊं? हाँ। तू यकीन नहीं करेगी। हाँ। मैंने सुबह से और अब तक रोटी नहीं खाई। तो मैंने भी ना खाई। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं। हाँ। वो बात ठीक है, मैं फकीर हो गया। तू लंगोटी में रहता है, जब भी मैं तेरे से फालतू कूदी बता। अरे औरत में देखो, एक पूरनमल की रागनी है दादा, आपको याद हो तो दादा लक्ष्मी चंद्र ने लिखी है कि बिस्वे तीन मरद में हो से सत्रह बिस्वे नारी। प्रधान जी मैं नहीं कह रहा, दादा लक्ष्मी चंद कह रहे हैं, बिस्वे तीन मरद में हो से सत्रह बिस्वे नारी। हाँ। तब महारे में तो तीन ही बिस्वे हैं, सत्रह तुम पे हैं, और आज के हालात ये हैं, कसम से मानो चम एक भी बिस्वे ना बच रहे, बीस के बीस इनके ही पास। फिर भी तू मेरी बात नहीं मान रहा पिया जी, गलत बात है। ये सरपंच साहब हमारे, हमारे रणधीर सरपंच जी गांव पचगांव से दोनों कलाकारों के लिए 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पर फिर भी रानी पाटम दे। हाँ पिया जी। महात्मा सन्यासी है, योगी है, गड़बड़ी कोई ना, पीछे नहीं रहेगा, कहे अपनी बात। पीछे तो जब रहेगा जब मैं छोड़ूंगी। हेलो, आए थे अपनी मर्जी से, जाओगे मेरी मर्जी से, और जाने नहीं दूंगी। पिया जी हो मेरे, फेरे लेके आ रही हूँ, भाग के नहीं आ रही। मतलब जबरदस्ती करेगी क्या? और क्या कर सकती हूँ, मेरा अधिकार है, मैं अर्धांगनी हूँ तुम्हारी। चल देखी जाएगी, उसे भी निभाऊंगा और फकीरी बाने को भी निभाऊंगा, कहे अपनी बात। मैं न्यू कह रही हूँ, जब तुम्हें जोग ही लेना था फिर मुझसे शादी क्यों करी? ये तो मैंने कही तो सही, कहा है को कर ली तो कर ली। क्यों करी फिर जोग क्यों लिया? इसलिए करी थी क्योंकि हाँ। उस समय मेरी और तेरी एक जोट थी। अच्छा, लेकिन क्या करूं, मेरी माँ का आशीर कुछ इस तरह का आदेश है, मैं माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। पाटम दे, मैं तेरे फेरों का गुनहगार जरूर हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई खता नहीं है। अच्छा। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा जहर दे देता हमें। जहर तो नहीं देना चाहिए था व्यक्ति को। पी मत करे। लेकिन एक बात है, ये तो बात ठीक है, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन तू अपनी बात कह, पंडित जी कुछ कह रहे हैं और बस सुन मेरी बात। हाँ। शिवा।
सेकंड तो सुन, छोटी सी खता सदियों तक भुगतनी पड़ती है। प्रधान जी कहाँ बैठे? प्रधान जी किधर बैठे? प्रधान जी कितनी छोरी है मैं भूल गया, 12। इसे नू भी नहीं पता कितनी चोरी पैदा करी है इसने। अब जब फकीर हो गया तो भूल गया। हमें नू तो नहीं भूला, तू रानी से। 5 छोरी सुरेंद्र भाई साहब के जिम्मे। अच्छा। 5 छोरी रमेश प्रधान जी के जिम्मे। अच्छा। 1 छोरी SHO साहब के जिम्मे। अच्छा, फिर एक रहेगी। एक का तू कर लिए, इधर आप तू। हाँ, 5 छोरी सुरेंद्र कुमार जी के जिम्मे, 5 छोरी रमेश सरपंच जी के जिम्मे, और 1 छोरी इनके जिम्मे हैं, और 1 छोरी मेरे जिम्मे। एक बात बता। हाँ कह दे, अब तू कह दे। कह दूं? हाँ कह दे। मुंह पे आई हुई बात रोकनी नहीं चाहिए। रोकनी नहीं चाहिए, कह दे। जब ये छोरी पैदा करी थी, इनसे पूछ के करी थी कि भाई तो, तुम्हें भी आकर ना पड़ेगा इनका। यही तो गलती होगी बस, तभी तो। फिर अब इस गलती को सुधार। चल तो कह सुधारो। और हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री DK शर्मा जी डॉक्टर साहब दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं। पहले भी 2100 रुपए दिए थे दोनों कलाकारों को, 1000 रुपए फिर 3100 रुपए से सम्मान किया। धन्यवाद। से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। और काए काए करके हमारे सिर पे चढ़ रहे हैं। मैं कोई कौवा हूं? पागल साधु के बालों को मत देख, साधु की तंदुरुस्ती और जवानी देख। गुरुजी ये तो खुदा की मेहर है, मेरे और रमेश प्रधान जी के थोड़े थोड़े से उड़ रहे हैं। देखो गुरुजी, पहली बात तो ये साधुओं के बाल नहीं होते, लटा होती है लटा। फिर तेरी लटा कहाँ है? सुन ले मियां जी। अभ्यास हो लिया, पूरन अभ्यास हो लिया। फिर तेरे बिना धरा नगरी का सत्यानाश हो लिया। श्री जगन्नाथ अपने सतगुरु का क्या चेला खास हो लिया।
मैं तुझे बता रहा हूँ क्या, हर आनंद के दिन काटे जाइए झूठ सबर के एक मुट्ठी माने भिक्षा चाहिए ले जा तड़े उतर के तेरे तड़े खड़ा क्यों रुके मारे चल जा जीने पर के एक मुट्ठी माने भिक्षा चाहिए ले जा तड़े उतर के एक मुट्ठी माने भिक्षा चाहिए।